हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ। दोस्तों कैसे दोस्तों आप भी अपने आईको के मोबाइल में दोस्तों आप पिन लॉक पासवर्ड को सेटअप कर सकते हो। दोस्तों आप अपने आईको के मोबाइल में पिन लॉक पासवर्ड को कैसे सेटअप कर सकते हो आज की वीडियो में दोस्तों ये बात करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। दोस्तों पिन लॉक पासवर्ड सेट करने के लिए पिन लॉक सेटिंग को यूज़ करने के लिए सबसे पहले जाएंगे फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर लेना है और फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्योरिटी सेटिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप फाइंड माय डिवाइस को ऑन करना चाहते हो, फाइंड माय डिवाइस ऑन कर सकते हो। सिक्योरिटी अपडेट को चेक कर सकते हो और आपके फ़ोन में अपडेट आया हुआ है तो अपडेट कर लेना। दोस्तों क्लिक करेंगे स्क्रीन लॉक पर और यहाँ पर आपको दिख जाएगा पिन, तो आपको पिन पर क्लिक करना है पिन लॉक लगाने के लिए। और दोस्तों जो आपका पिन है वो 4 डिजिट का होना चाहिए। अगर आप यूज़ करते हो कोई 3 डिजिट का पिन तो यहाँ पे पिन सेट नहीं होएगा। दोस्तों जो भी पिन इंटर करोगे याद रखना, कोई मिस्टेक मत करना और कोई गलती तो बिल्कुल मत करना। अगर कोई गलती वगैरह करते हो आपको अपना फ़ोन रीसेट करना पड़ेगा। दोस्तों अभी मैं एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, 1 2 3 4 नॉर्मल सा पिन है, याद भी रहेगा, भूलूंगा भी नहीं। और कंफर्म पे क्लिक, कंफर्म पे क्लिक करते डन पे क्लिक कर देना है। स्क्रीन को लॉक करना है। अनलॉक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको पिन को इंटर करना है और यहाँ पर आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ पर राइट क्लिक करोगे फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन में पिन लॉक पासवर्ड को सेट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने आईको के फ़ोन में या किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में। और दोस्तों अगर आप अपने पिन पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो तो फ़ोन की सेटिंग में जाके सिक्योरिटी सेटिंग में जाके यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक पर क्लिक करना है। अब आपको पहले पासवर्ड को इंटर करना पड़ेगा इसको चेंज करने के लिए। और फिर दोस्तों यहाँ पर आप पिन पे क्लिक करके नया पासवर्ड आप सेट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 था, मैं इसको करता हूँ 1 2 3 4 और दोबारा से 1 2 3 4 मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। दोस्तों सेम पिन मैं यूज़ कर रहा हूँ बट मैं इसको चेंज कर चुका हूँ 4 से 8 डिजिट में। अब दोस्तों लॉक स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हो, अगर यहाँ पर हम 4 डिजिट का पिन इंटर करते हैं तो फ़ोन अनलॉक नहीं होएगा। तो हम इसको 1 2 3 4 और दोबारा से 1 2 3 4 को एंटर करेंगे मतलब 8 डिजिट का पिन, यहाँ पे फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप अपने पिन को चेंज कर सकते हो, पिन को इंक्रीज भी कर सकते हो डिजिट को, 4 से लेके लास्ट दोस्तों जो है तो 14 या 16 डिजिट का आपकी लिमिट होगी। आप उससे ज़्यादा पिन को यूज़ नहीं कर सकते। अब दोस्तों पिन लॉक पासवर्ड हटाने के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर यूज़ नहीं करना चाहते, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो यूज़ नहीं करना चाहते या उनके फ़ोन में पहले से पासवर्ड है, पिन वाला पासवर्ड है और वो उसको हटाना चाहते हैं, स्वाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ से रिमूव कर देना, आपका पासवर्ड हट जाएगा। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो पिन पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं होएगा लॉक स्क्रीन पे। स्वाइप करके अपने फ़ोन को ऐसे ही अनलॉक कर सकते हो बिना किसी पिन लॉक के। दोस्तों वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं स्टूडियो में, बाय।